हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल आइए चलिए आज हम बनाते हैं पालक के कोफ्ते तो इसके लिए मैंने आधा किलो पालक लिया था ये और बॉईल कर लिया है उसको और बॉईल करके आधा मैंने ऐसे ही रोक लिया है बॉयल करा हुआ और आधे को मैंने क्रश पीस लिया है सौ ग्राम पनीर है जो मैंने ग्रेट कर लिया है और तीन उबले हुए आलूओं को मैंने ग्रेट करके रखा है तीन टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है और दो प्याज़ और अदरक की भी मैंने प्यूरी बना के रख ली है पेस्ट बना के रख लिया है और दो सूखी लाल मिर्चें हैं आ, हरा धनिया अदरक और हरी मिर्चें हैं चॉप करी हुई कुछ बेसिक मसाले हैं जो हमें इसमें यूज़ करने हैं तो आइए सबसे पहले हम बॉल्स बना लेते हैं तो उसके लिए मैं एक बॉल में आलू पनीर और पालक तीनों को ले लूँगी और इसमें हमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है करीब एक सर्विस स्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर भी आपको डालना है उससे बाइंडिंग हो जाती है फटते नहीं हैं फिर कोफ्ते हमारे आधा चम्मच सॉल्ट आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच सूखा धनिया आधा चम्मच गरम मसाला कुछ हरी मिर्चें हैं चॉप करी हुई और अदरक है चॉप करा हुआ इन्हें हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसमें और लाल मिर्ची भी ज़्यादा कर सकते हैं तो अब हम इसके बॉल्स बना के रख लेंगे सारे पहले ये देखिए मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं अब इन बॉल्स को हम पहले फ़्राई कर लेंगे तो मैंने ऑयल गरम हो गया है मेरा आप जब भी कोफ्ते बनाएं पहले एक बॉल डाल के तल के देख लें कि फट तो नहीं रहा है अगर वो फट रहा है ना तो आप उसमें से कॉर्नफ्लोर थोड़ा और ऐड कर दें उसके डो में और उसके बाद उनके बॉल बना के तलना शुरू करें ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना बना के रख लूँगी मैं ऐसे ये देखिए बन गए हैं मेरे बॉल्स ये पालक के कोफ्ते ना ऐसे भी आप खा सकते हो स्नैक्स की तरह भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये ये देखिए मेरे सारे बॉल तैयार हो गए और अब मैं ग्रेवी की तैयारी करूँगी तो ग्रेवी के लिए मैंने ये दो चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है इसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाली है लाल सफ़ेद लाल वाली जो होती है ब्राउन कलर की और एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और एक तेज़पात का पत्ता है और सूखी लाल मिर्चें भी डालनी है दोनों इसी में जीरा है और ये हम इसमें पहले जो टमाटर का हमारा पेस्ट रखा है पिसा हुआ टमाटर और इसमें है तीन चार कलियां लहसुन की हैं और अदरक का टुकड़ा भी था वो मैंने सब एक साथ पीसा था तो इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक भी ऐड कर दिया है और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसालों की ये है कि आप जितना अच्छा भूनेंगे ना उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा उनका जब प्याज ने मेरा घी छोड़ना शुरू कर दिया ना तो फिर मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है टमाटर की प्यूरी अब इसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी इसमें मैं सारे मसाले जो ऐड करने हैं मुझे इसमें वो ऐड कर दूँगी और कोई स्पेशल मसाला नहीं डालूंगी जो मेरे नॉर्मल किचन के मसाले हैं वही ऐड करूंगी मैं इसमें धनिया है आधा चम्मच लाल मिर्चें हैं कश्मीरी और गरम मसाला है ये आप चाहें तो मार्केट का सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें नमक है थोड़ा सा तो ये सब मसाले भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अभी इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ने लगे देखिए ये घी आ गया है मेरा घी आने के बाद हम एकदम से इसमें पानी बहुत सारा नहीं डालेंगे बहुत थोड़ा सा करीब दो चम्मच पानी डाल के इसे फिर भूनेंगे तो ये दो तीन बार हमें ऐसे ही करना है तो ये बहुत अच्छा भुन जाता है और घी छोड़ता है लास्ट में काफ़ी सारा देखिए कितना अच्छा घी आ गया है मतलब अब ये ग्रेवी का मसाला मेरा पूरा तैयार है अब मैं इसमें पालक जो मेरा पिसा हुआ रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी ये देखिए मैंने इसमें पालक ऐड कर दिया है और कुछ पालक का पानी भी रखा है जो पीसते समय बच गया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम सब अच्छे से बॉईल कर लेंगे अपनी ग्रेवी को ग्रेवी तैयार है मेरी तो पालक के कोफ्ते मैंने अपने बॉल में रख दिए हैं और उसके ऊपर से मैंने इसको ग्रेवी को कर दिया है क्योंकि ग्रेवी में हमें कोफ्ते पकाने नहीं हैं क्योंकि बहुत सॉफ़्ट होते हैं ये अगर हम ग्रेवी में पकाएंगे तो ये फट जाएंगे इसका बेटर रास्ता यही है कि आप पहले अपने कोफ्ते बॉल में रख दें और उसके ऊपर उसको ग्रेवी उसके ऊपर छिड़क दें और कुछ ऊपर से हम कोफ्ते ऐसे सूखे लगा दिए हमने क्योंकि क्रंची क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी बने थे आप भी बनाइएगा मुझे बताइएगा